बर्थडे हम सभी मनाते हैं, हर कोई बर्थडे मनाता है। और बर्थडे में हम बाहर से काफी सामान लेकर आते हैं, खाने पीने की चीजें लेकर आते हैं। अभी पिछले मई में, मई निकल गया और उसमें ना मेरी बेटी का बर्थडे था। बर्थडे था, हम लोग बाहर से काफी खाने पीने का सामान लेकर आए और घर में केक वगैरह हमने कट किया और फिर उसके बाद खाया पिया। तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड, जो हम बाहर से सामान लेकर आए थे ना खाने पीने का, वो सामान काफी ज्यादा एक्स्ट्रा सामान था। हमने सोचा था ज्यादा गेस्ट आए लेकिन नहीं आए, तो वो खाने पीने की चीजें ना हमारी बच गई। तो मेरी बेटी ट्यूशन क्लासेस जाती है, कोचिंग जाती है, तो उसने मेरे को बोला, मम्मी जो सामने वाली रेड लाइट पड़ती है ना, वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो पैसे मांगते हैं, पेन वगैरह बेचते रहते हैं, और मुझे उनपे बहुत अजीब सा लगता है। मम्मी की इस उम्र में पढ़ना चाहिए और वो बच्चे जो है सामान बेच रहे हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। तो उसने मेरे को बोला, मम्मी ये जितना भी केक पेस्ट्री और ये जो भी सामान आपका बच गया है ना, आप इसको रखे, हम मैं जब सुबह कोचिंग क्लासेस जाऊंगी तो आप ना इसको पैक कर देना बॉक्सेस लाके, और ये चीजें मैं वहां ले जाकर उन बच्चों को खिलाऊंगी। देखिए बर्थडे हर कोई मनाता है और हर किसी के बर्थडे में ना सामान बचता ही बचता है। आप सारा सामान जूठा मत कीजिए, जितना आपको खाना है, जितने भी आपके गेस्ट आए हैं उसको निकाल कर आप एक प्लेट में रख दीजिए, जो बाकी बचा हुआ सामान है उसको साफ से ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद ना उन सामान को आप गरीबों में बांट सकते हैं। बर्थडे ऐसे भी मनाया जा सकता है। और अगर आपका रात का या दिन का भी खाना बच जाता है ना, तो भी आप ऐसे उन गरीब लोगों को खिला सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, अगर मान लीजिए मेरा खाना बच जाता है तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको जूठा भी नहीं करती हूँ। जितना खाना है आप उसको निकाल लीजिए प्लेट में, एक थाली में, बाकी का खाना आप फेंक देंगे, कोई फायदा तो है नहीं। और सुबह का खाना शाम को भी कोई नहीं खाता है, तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हो तो जरूर आपको ना उसको पैक कर देना चाहिए। हम मार्केट से देखिए, काफी कभी कभी खाना बनाने का मूड नहीं होता तो बाहर से मंगाते रहते हैं, तो डब्बे भी हमारे पास होते हैं, हमें डब्बे भी खरीदने की जरूरत नहीं होती। उन्हीं डब्बों में आम डालिए और बच्चों को, गरीब बच्चों को भोजन खिला सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा विचार है। मुझे लगता है काफी लोग इस ऐसा सोचते होंगे लेकिन कर नहीं पाते होंगे, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और वो रेड लाइट पे जो सामान बेचते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ काम की बातें मैंने बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा, और ये एक बहुत अच्छी पहल है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।